स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इफ एवरी पार्टिकल इन द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल अबाउट ए सिंगल लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे तमाम वो बॉडीज जिनके अंदर रोटेशनल मोशन होती है, ठीक है, तो वो तमाम बॉडीज जिनके अंदर रोटेशनल मोशन होती है, वो बॉडीज किसी पॉइंट या किसी लाइन के इर्द गिर्द वो बॉडी की रोटेशन मोशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस डेफिनेशन को, एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझने के लिए, हमारे पास एक व्हील, साइकिल का व्हील है। आपने देखा होगा कि साइकिल के व्हील के दरमियान में यहां पर एक्सल होता है। ये एक्सल जो है, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द इस पूरे व्हील के तमाम पार्टिकल्स वो एक सर्कल में मूव करते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक और रॉड है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेट्स सपोज इसकी, ये हमने कहने के दीवार के अंदर हमने कील के साथ ये इस रॉड को फिक्स कर दिया, ये मूव कर सकती है। जैसे ही हम इसको यहां से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, ये रॉड इस कील के, इस नेल के इर्द गिर्द घूमेगी। जब ये घूमेगी तो क्या होगा, आप ये पॉइंट्स जो रॉड के ऊपर लगाए हुए हैं, इनको गौर से देखेंगे तो क्या होगा कि ये पॉइंट्स जो हैं एक सर्कल में मूव कर रहे होंगे। तो क्या होगा कि ये पॉइंट, ये लाइन, इमेजिनरी लाइन जिसके इर्द गिर्द इस रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में, एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो ये पॉइंट, ये लाइन जो है, इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से हमारी अर्थ है, ये अर्थ जो है, ये कह लें कि अपने एक्सिस के अराउंड जो है ये स्पिन कर रही है। अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये इस नॉर्थ और साउथ पोल के अलोंग ये मगरब से मशरक की तरफ, यानी कि मैं इस वक्त ये खड़ा हूं, मगरब इस तरफ है और मशरक मेरी इस तरफ है, तो ये अर्थ जो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इस तरीके से अर्थ जो है ये स्पिन कर रही है। मगरब से जब मशरक की तरफ आती है तो क्या होता है कि सुबह होती है, सूर्य सामने आता है, दोपहर होती है, शाम होती है, अभी जाती है, उसके बाद रात हो जाती है। इस तरीके से अर्थ जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशनल मोशन जो है वो करती है। तो वो हमारी अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के दरमियान से गुजर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन है, ये पॉइंट है, एक बॉडी के अंदर से गुजर रहा है, जो बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो तमाम पार्टिकल्स उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बुक की बात करता हूं, ये बुक का जो कवर है, जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये देखें ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो इस यहां से गुजर रही है, यहां से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है। तो इस बुक का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जिसके गिर जो है ये रोटेशन होगी। इसी तरीके से दरवाजा ओपन करता हूं तो क्या आता है, जो हिंग है उस हिंग में से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो गुजर रहा है। जैसे ही मैं डोर हैंडल के ऊपर जो है फोर्स लगाता हूं तो क्या है, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होती है, दरवाजा ओपन हो जाता है, अगर मैं पुश करता हूं दरवाजा क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन ए सर्कल अबाउट ए सिंगल लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन।